सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ इसे दर्वेशो आवारा बेघरो ठग बहादुर दिलेरो बदमाशों की जंग तारीख और राज तुम्हारा है जादू एक वाली एक रूप एक वजीर और दिन हुआ देखो नमूना बच्चों किससे सुनो ये मजेदार एक हजार इरादे ये है आज रात की मिठाई। क्या हम चख सकते हैं? नहीं नहीं, अपना रात का खाना खराब करना चाहते हो? चलो जाओ यहाँ से। अरे नहीं, देखो यहाँ से पिघल रहा है। मैं इसे ठीक करता हूँ। ओह देखो, यहाँ से भी कुछ गिर रहा है। इसे ठीक कर दो। अब ये टेढ़ा हो गया। आप थोड़ा इधर से निकालना चाहिए। मैं निकालता हूँ। शहरज़ाद। ठीक है रजानी, मैं देखती हूँ। तुम जाओ और अपना काम करो। हाँ, अब मुझे नई मिठाई बनानी पड़ेगी और वो तुम दोनों को नहीं मिलेगी। तो क्या कहना चाहते हो अपनी सफाई में? ठीक है, तो खूब मिठाई ठूसते जाओ और एक दिन मंजाब जैसे बन जाओ। मंजाब कौन है? वो एक लड़का था जो इतना खाता था कि उसके साथ एक दिन बहुत बुरा हुआ। क्या, गले में खाना फंस गया? वो बीमार हो गया। क्या उसे बैठकर कहानियां सुननी पड़ी? नहीं, इससे भी बुरा हुआ। क्या हुआ उसे? तो सुनो, मंजाब नाम का लड़का एक बेकरी में काम करता था। मुझे भूख लगी है, एक पेस्ट्री खाते हैं। ये सिर्फ ग्राहकों के लिए है, जानते हो ना रवि। पिछले एक हफ्ते में यहाँ कोई भी नहीं आया, एक कम हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा? मेंसो साहब को अच्छा नहीं लगेगा। ला 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 ला। शाबाश मंजाब, ग्राहक साफ दुकान पसंद करते हैं। अगर ग्राहक आते हैं तो मैंने फल भी सजा दिए। मुझे कायदे से किया हुआ काम पसंद है, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। इसमें से जो चाहो खा लो। सच? हाँ, सिर्फ एक। ओहो, पिस्ते की बर्फी लो, वो मेरी पसंदीदा है। मैं पिस्ते की बर्फी लेना चाहूँगा। अच्छी पसंद है, जाते वक्त दुकान में ताला लगा देना। शुक्रिया मेहता साहब। रुक जाओ। अरे ये क्यों किया तुमने? वहाँ इससे भी बड़ी बर्फी रखी है, उन्होंने कहा था कोई भी एक ले सकते हो। इसे 5 सेकंड में खा जाऊंगा। बापरे। अरे नहीं, मेहता साहब गुस्सा होंगे। अब हम क्या करें? सबूत मिटा दो। आधा मेरा आधा तुम्हारा। जायकेदार केक का मजा लो हाजिम। काश मेरे पास इतनी बड़ी बास्केट होती कि मैं ये सारी चीजें खरीद लेता। जो केक यहाँ रखा था कहाँ गया? मंजाब जी जनाब। मेरा केक कहाँ गया? वो आखिरी ग्राहक शायद गलती से उनके बास्केट में गिर गया होगा। वो मेरा बेहतरीन ग्राहक है। आजकल मेरा अकेला ग्राहक, दूसरा केक बनाता हूँ, बाजार जाना पड़ेगा। बाल बाल बचे। जरा वो शहद में डूबे केक तो देखो, कितने मीठे, कितने रसीले, कितने नरम, मेरे पसंदीदा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो जा चुके हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा। उन्हें पता चल गया तो? कैसे, तुम एक बार तो उन्हें उल्लू बना चुके हो। ठीक है, लेकिन सिर्फ आखिरी बार। अरे नहीं, अब क्या करें? ओहो, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हम नए केक बना लेंगे। हमें नहीं बनाना नहीं आता। कितनी बार तो उसे बनता देख चुके हैं, कौन सा मुश्किल काम है।
और हमें ये सब भी खाने को मिलेगा। ओ, क्या केक है, मेरा पसंदीदा। जल्दी करो, वो वापस आते ही होंगे। उम्मीद है अच्छे बने होंगे। छी, ये तो मैं भी नहीं खा सकता, जबकि मैं कीड़े तक खा जाता हूँ। ऐसा करते हैं, इन्हें मलाई से छुपा देते हैं। ओ, ये क्या है, कोई नई मिठाई? ठीक समझे। इस लजीज मलाई के नीचे क्या है? एक कमाल की चीज। सच में, मैं सब ले जाऊंगा। मंजाब को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। उसकी चोरी पकड़ी भी नहीं गई और उसने अपने मालिक के लिए पैसे भी कमा लिए थे। सब बिक गए जनाब। बहुत अच्छे, ये लो तुम्हारे लिए एक और इनाम। मंजाब समझ गया कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, वो बहुत चालाक था। लेकिन एक चीज थी जिसे मंजाब छुपा नहीं सका। मंजाब, क्या तुम्हारा वजन बढ़ रहा है? नहीं तो, वो दरअसल मेरे कपड़े धोने में सुकड़ रहे हैं। हाँ, वो तो ठीक लग रहा है। मेरे पैसे वापस करो। क्या कहा आपने? मैंने तुम्हारे वो मलाई से ढके हुए केक कल रात को खाने के बाद अपने मेहमानों को खिलाए, वो बहुत ही बुरे थे। क्या? मैं हमेशा बेहतरीन केक ही बनाता हूँ। आह, बदतरीन कहो उन्हें, बदतरीन से भी बदतर थे वो केक। मेरा तोता कीड़े खाता है, उसने भी नहीं खाए वो। मैंने कहा था ना। बकोबक, मुझे पता है तुम ही ने मेरा खजूर का केक चुराया था। क्या? और यहाँ से दूसरी मिठाइयाँ भी चोरी हुई है। तुम जाहिर है तुम ही ने। तुम इसे मिठाई कह रहे हो? मैं तुम्हें चोर कह रहा हूँ। तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हारी ये मजाल। मैंने सुना है तुम्हारे केक हिट होते हैं। हाँ, मेरा पसंदीदा। रवि, तुम्हारी मदद चाहिए। अभी आता हूँ। तैयार है अब तक का मेरा बेहतरीन केक। वाह, खूबसूरत है। लेकिन ये है क्या? मिश्री केक, इसमें डबल चॉकलेट, शहद, बादाम, पिस्ते और मिश्री है। जीरो कैलोरीज। सालों पहले इसे बनाने की तरकीब मुझे एक जिन ने दी थी। ये बहुत ही हल्का है, हवा से भी ज्यादा। उस हाजिम के बच्चे को बताऊंगा, इसे देखकर उसे अपने अल्फाज खाने होंगे, लेकिन केक नहीं खाने दूंगा। जब तक वो भारी रकम नहीं चुकाता। बाप रे, तुम्हें क्या हुआ? कितने मोटे हो गए हो तुम? सच में मैं मोटा लग रहा हूँ? नहीं, तुम खूबसूरत लग रहे हो। और अपने आप को देखो। मेरे अंदर हवा भर गई है। वो रहा हाजिम सड़क पर। हाजिम, आओ मेरा नया केक देखो, खुद पर काबू नहीं रहेगा। बहुत हो गया, अब तो मैं केक बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अब से मैं डाइटिंग करूंगा, ना तो बादाम पिस्ते का केक खाऊंगा, ना काजू का हलवा और ना ही कोई और मिठाइयाँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मिश्री केक के बारे में क्या ख्याल है, जिसमें डबल चॉकलेट, शहद, बादाम पिस्ते और मिश्री है? और उन्होंने जीरो कैलोरीज भी कहा था।
कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है। मुझे तुम्हारे मिस्री केक में कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा, जरा खिड़की के अंदर झांक कर देखो फिर बताओ। सच कहता हूँ, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, इसने मुझे मजबूर किया, मैं ये नहीं करना चाहता। ओ, बर्फी मेरी पसंदीदा। मदद, मुझे नीचे उतारो, मैंने अपना केक नहीं खाया। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। और आखिर में मंजाब और रवि ने सबक सीख लिया। नदीदेपन की कीमत चुकानी पड़ती है। भाई वाह, बावर्ची ने जो केक बनाया वो चखा तुमने? मैंने 5 टुकड़े खाए। क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं होता तुम दोनों बच्चों ने फिर से वही किया। अब तो मैं बादशाह को बताऊंगा। क्या बताओगे मुझे? उम्मीद है आपको मेरा बादाम का केक पसंद आया होगा। मैं जाकर एक और केक बनाता हूँ। बेकरी वाले का क्या हुआ? हाँ, फिर आगे क्या हुआ? बेकरी वाला तो मजे में रहा। सच में? कैसे? मंजाब दुनिया का पहला उड़ने वाला इश्तेहार बन गया। बेकरी वाले का कारोबार चौगुना हो गया। ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी? तुमने भी उतना ही खाया जितना मैंने। बर्फी मेरी पसंदीदा। ओ, आम मेरी पसंदीदा। सब तुम्हारे पसंदीदा है। तुम मेरे पसंदीदा नहीं हो। ओ, चुप रहो, अब मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। चुप रहो, कभी नहीं। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी। सुल्तानों शाहों के जादुई जमाने के साथ इसे हवाओं में आवारा बेघरों ठग बहादुर भी ले लो बदमाशों की जंग तारीख और रात तुम्हारा है जादू चिरा एक रुख एक वजीर और दिन हुआ देखो नमूना बच्चों किससे सुनो ये मजेदार एक हजारी का दिन।